إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة वक़ुल्ला बिदातिन गला वक़ल्ला गलतिन फिनार अलवाफी बिनाफ सही हि सही बुखारी सही मुस्लिम की अदीस पर मुश्तम एक अज़ीम किताब जिसमें दस के करीब मकासद हैं उनमें से पाँचवा मकसद अहाजात गरूरिया उनदीस के बारा में है जो इंसान की ज़रूरी हाजा पे मुश्तल हैं और इसमें कई एक कुतुब हैं उनमें से पहली किताब किताब अ़ैम है और फिर उसमें दूसरी पहली फ़सल अ़ैम व अकल के बारे में है खानों के बारे में और खाने के आदाब के बारे में और दूसरी फ़सल जो है वो है ए, उन जानवरों के बारे में जिन्हें ़़बा किया जाता है और ऐसे ही उन जानवरों के बारे में जिन्हें शिकार किया जाता है और इस दूसरी फ़सल में जो ज़िबा के बारे में है और शिकार के बारे में है इसमें दूसरा बाब आज हम पढ़ेंगे वो है बाब-ul-फराई वल आतीरा ये बाब फरा और अतीरा के बारे में है फ़रा किसे कहते हैं मादा जानवर का पहला बच्चा मिसाल के तौर पे ऊँटनी है ऊँटनी का जो पहला बच्चा है उसे क्या कहा जाएगा फरा और अतीरा रजब के शुरू में जो जानवर िबा किया जाए उसे क्या कहते हैं अतीरा तो ये काम ज़माने जहलीत में भी हुआ करता था ज़माने कुफर में हुआ करता था इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है इस चीज़ का हमें इलम होगा उस हदीस से जो अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसका नंबर है ग्यारह सौ काफ इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة कि कोई फरा नहीं है और कोई अतीरा नहीं है इन इन्फाज का मफहम क्या है इन इनफाज का माना क्या है ये वादे कर देने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं उस इबादत का तर्जमा कर दूँ जो इसके बाद मौजूद है इसके बाद क्या मौजूद है फ़ल और अ़ीरा का मफहम बयान किया जा रहा है और ये बयान करने वाले कौन हैं ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये इमाम जोहरी हैं इमाम जोहरी मशहूर वरूफ तबीरी हैं इमाम इबन शहाब जहरी बहुत बुलंद पाया इमाम मुहदस और फ़ीर हैं तो वो इस अदीस में वारद होने वाले इन दो दोफा की वजाहत करते हैं फ़रा और अतीरा कहते हैं वलफ़रा अव्वलताजी कानू यद बहु नहुलवा तह फ़रा कहते हैं ऊटनी के पहले बच्चे को वो लोग ऊँटनी के पहले बच्चे को अपने बुतों के नाम पे ज़िबा कर दिया करते थे तो फरा फिर इसकी यानी पहचान क्या है जमाने जहलीत के लोगों के यहाँ किसी भी ऊँटनी का जो पहला बच्चा होगा उसका नाम फ़रा होगा और उसे बुतों के नाम पे ज़िबा किया जाएगा वलआरतुफ़ी रजा बिन और अतीरा उस जानवर को कहते हैं जिसे रजब के महीने में जिबा किया जाता था अब ये तारफ़ हो गया फ़रा का और अतिया का तारफ़ करवाने वाले कौन हैं ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये इमाम जोहरी हैं अब इन दो जानवरों के बारे में नबी अली अलीस्म क्या फरमा रहे हैं आप कह रहे हैं ला फ़रा वला अतरा कोई फ़रा नहीं है कोई अतीरा नहीं है हाफुद इबन हजर रहम् फरमाते हैं कि मुसनद अहमद में इस हदीस के अलफ़ में एक लफ्स मज़ीद का इजाफ़ा है और वह क्या है फ़िल इस्लाम यानी कि ला फ़रा वला अतिर तफ़ी इस्लाम के दीन इस्लाम में कोई फ़रा नहीं है कोई अतीरा नहीं है लेकिन मान वमफूम अभी भी वाज़ नहीं है इस्लाम में फरा नहीं है अतीरा नहीं है क्या मतलब यानी कि ये ख़त्म हो गया मनसूख हो गया इस्लाम इसकी मुकम्मल तौर पे नफ़ी कर रहा है ये इसका मतलब है या इस्लाम ये कह रहा है कि ये चीज़ें इस्लाम में वाजब नहीं हैं? तो इस मामले में ओमाए के में इतलाफ है किस मामले में कि इस अदीज़ का मफहम क्या है पहला मफहम क्या हो सकता है कि इस्लाम में फरातीरा का कोई वजूद नहीं है ये चीजें सिरे से बातल हैं गलत हैं इस्लाम इनकी नफी करता है दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इस्लाम में ये चीजें वाजब नहीं हैं जरूरी नहीं।, नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये अमूर सर अंजाम दे सकते हैं अल्लाह इज़्ज़त के लिए वो फरा यानी कि ऊँटने के पहले बच्चे को जिबा करते थे किसके नाम पर बुतों के नाम पर तो आप अल्लाह के नाम पर काम कर सकते हैं लेकिन क्या ये वाजब है जवाब यह कि वाजब नहीं है अतीरा वो जानवर को ज़िबा करते थे कब रजब के पहले महीने पहले अशरे में पहले दस दिनों में तो आप भी ज़िबा कर सकते हैं अल्लाह इज़्ज़त के लिए इमाम शाफी राहुल और इमाम सुफियान इबन और इन दोनों का मौक़ ये है कि इस्लाम में फ़रा और अतीरा का वजूद है लेकिन वजूब नहीं है यान के फरा और अतीरा इस पर अमल आज भी होगा लेकिन अमल करना वाजब नहीं है और इस्लाम में ये जानवर िबा किए जाएंगे अल्लाह के नाम पे अल्लाह के लिए िबा किए जाएंगे और इस मामले में एक हदीस भी मौजूद है जो इमाम शाफ़ी के मौकफ की तइद करती है उस हदीस को रवात करने वाले कौन हैं उस हदीस को रवायत करने वाले इमाम तिरमदी भी हैं और इमाम इबिन माजा भी हैं दोनों इमामों ने रवायत किया है और उस हदीस के रावी है मिखनफ बिन सुलेम, मिखनफ बिन सुलेम वो कहते हैं कि फरमाया नबी अली अलीसम ने या यान्नास आला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उदहैत वे लोगो हर ग्राने पे हर साल उदहिया भी है अतीरा भी है हर ग्राने के जिम्मे क्या है कि वो हर साल एक जानवर जिबा करें कुर्बानी के तौर पे और एक जानवर ज़िबा करें अतीरा के तौर पे हल तदरू मलातीरा फिर आपने कहा लोगों जानते हो होतीरा किसे कहते हैं ये वही जानवर है जिसे तुम रज़बिया कहते हो क्योंकि रजब के महीने में जिबा किया जाता है और ये अल्फाज आपने कहाँ कहे हैं मैदान अल्फात में कहे हैं तो अब जब आप इस हदीस को अपने साथ रखेंगे जो तिरमदी और इब्ने माजा में आई है और जो हदीस आपने मदान अरफ़ात में बयान की थी और उस हदीस को जब भी हम पढ़ रहे हैं कि ला फ़रा वला अतीरा कोई फ़रा नहीं है कोई अतीीरा नहीं है दोनों को एक साथ रखेंगे तो अब मौक़ वही निकलेगा जो इमाम शाफ़ी ने इख्तियार किया है कि फ़रा इस्लाम में है लेकिन वाजब नहीं है फ़रा इस्लाम में है लेकिन बुतों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह इज़्ज़त के लिए है अतिया इस्लाम में है लेकिन वाजब नहीं है क्योंकि आपने कह दिया ला फ़रा वला अतीरा कि ये चीज़ें वाजब नहीं हैं और दूसरे नंबर पर अगर ये चीज़ें हों गैर के लिए बुतों के लिए तो फिर इस्लाम में इनका इनका कोई मकाम नहीं है कोई हैसीयत नहीं है इस्लाम इनकी तईद नहीं करता बल्कि इनको गलत करार देता है तो खुलासा क्या हुआ कि फ़रा और अतियारा इनके बारे में उलमाए क्राम के दो मौकफ़ हैं एक ये है कि ये दोनों चीज़ें वाजब नहीं हैं लेकिन मशरू हैं शरीयत का हिस्सा हैं आप इन्हें इख्तियार कर सकते हैं लेकिन जब इख्तियार करेंगे तो किसके लिए करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे और दूसरा मफहम यह है कि इस्लाम में इनका सिरे से कोई वजूद नहीं है शरीयत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और इस इन पे इन पे अमल करने की इजाजत नहीं है उसके बाद हम मुंतकिल होते हैं बाब नंबर तीन की तरफ बाब मा यफ़अलुहुल मुजक्की इस बाब में तस्करा होगा किस चीज का जिबा करने वाला क्या करेगा उन उमूर का तस्करा होगा जिन्हें कौन इख्तियार करेगा जिबा करने वाला हदीस नंबर ग्यारह सौ तीस वन वन थ्री जीरो इस हदीस को रवैत करने वाले अम इक़राम में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों हैं अनराफ इबन खदीज रवायत है जनाब राफ़ बिन खदीद रज़ी तुसे कला व कहते हैं कन् नामबी यी सल्हु वसलम बदल खलीफ़ा हम नबी अलीसम के साथ लीफ़ा मक़ाम पर थे लीफ़ा कहाँ है जब यह सवाल किया जाएगा ुलफ़ा कहाँ है तो जवाब देने वाले के ज़ेन में फौरी तौर पर ये आएगा कि किसफ़ा मदीना में है और ये मदीना वालों का मीकात है जब वो मक्का जाने लगते हैं तो इसी मकाम से वो अहराम बांधते हैं नियत करते हैं हज के लिए जाएँ तब भी उम्रा के लिए जाएँ तब भी और नबी तो सलाम ने यहीं से नियत की थी लेकिन गुज़ारिश ये है कि जो हदीस हम पढ़ रहे हैं इस हदीस में ल हिलीफा से मुराद ये मदीना वाला लैफ़ा नहीं है बल्कि ये तिहामा का ल हलीफ़ा है जैसे पाको हिंद में कई ऐसे मकामा हैं जिनका यानी कि जिनके नाम आपस में मिलते जुलते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है मदीना में भी एक मकाम है जिसके नाम है हैदुलफ़ा और तिहामा में भी है यहाँ पे मुराद तिहामा है दलील क्या हमारे पास दलील बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस है ये हदीस जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका नंबर क्या है दो हज़ार चार सौ अठासी टू एट ए, टू फोर एट एट टू फोर एट एट जबकि यही हदीस बुखारी शरीफ में एक और मकाम पे भी आई है वहाँ पे इसका नंबर है 2507, हज़ार तो वहाँ पे आया है कि ुल्हलीफा मिन तिहामा, जो तिहामा में मौजूद है मक्का मदीना क्या कहलाते हैं हिजास तो तिहामा में ये याफा है जो इस अदीस में आया जो अभी हम पढ़ रहे हैं और ये वजाहत मुस्लिम शरीफ में भी आई है तो राफे बिन खदीज कहते हैं हम नबी अलीलात उस के साथ थे किस मकाम पर थे मक़ाम झलैफ़ा में और ये कौन सा फ़ा है मदीना वाला नहीं बल्कि तिहाा वाला फलासोन तो लोगों को भूख लग गई लोगों को क्या लग गई भूख फू इबीन वना तो उन्होंने हासिल किए ऊंट भी और बकरियाँ भी जिनके उन्हें वहाँ पे ऊँट भी मिल गया बकरियाँ भी मिल गईं काला कहते हैं कौन राफ़े बिन खदीज वकानबी सल्हु वसलम फ़ी उखरातलौमी नबी सल्हस लोगों के आखिर में थे लोगों के आखिर में थे कौन नबी अली फाजीलू तो लोगों ने क्या किया जल्दी की वजाबाहू और उन्होंने ज़िबा कर लिए क्या यानि कि ऊंट और बकरियाँ उन्हें मिली तो उनमें से कुछ ऊंट और कुछ बकरियाँ उन्होंने िबा कर ली व नसबुल्कदूरा और उन्होंने हंडियाँ नसब कर दी यानि कि हंडियाँ चूल्हों पर चढ़ा दी इसका मतलब यह है कि गोश्त पक रहा है सालन तैयार हो रहा है अमनबी सल्हसम तो नबी अलीलाम ने हुक्म दिया बिल्कदोरी इन हंडियों के बारे में फुकफीअ तो उनके साथ क्या सलूक किया गया उन्हें उल्टा दिया गया उल्टा कर दिया गया जब हंडिया को उल्टा करेंगे तो क्या होगा गोश्त जो है वह गिर जाएगा तो आप अलीलातलाम के हुक्म से ऐसा किया गया बल्कि अबू अबूदाऊ शरीफ की हदीस में है जिसका नंबर है दो हजार सात सौ पांच टू सेवन जीरो फाइव कि नबी अलीलातम ने हमारी ये बर्तन जो थे अपनी कमान के साथ उलट दिए और फिर आप गोश्त को मट्टी में मिलाने लगे फिर आपने कहा कि लूटा हुआ माल मुर्दार से बढ़कर हलाल नहीं है यानी कि जैसे मुर्दार हराम है ऐसे ही ये गोश्त हराम है इस अदीज़ को शेख अलमानी रही ने सही करार दिया है कहने का मकसद क्या था कि यह ऊंट और ये बकरियां नबी अलीस्म ने अभी इन्हें तकसीम नहीं किया था आपकी इजाज़त के बग़ैर इन्हें जिबा किया गया और पकाया जा रहा है तो इसलिए आपने इन्हें क्या करार दिया हराम करार दिया तो इसलिए आपने हुक्म दिया तो आपके हुक्म से इनको उलट दिया गया सामा फिर आपने तकसीम किया क्या तकसीम किए ये जानवर तकसीम किया आपने फादल आशा तमाम बरन तो आपने दस दस बकरियों को एक ऊंट के बराबर कर दिया यानी कि किसी को ऊंट मिला तो किसी को दस बकरियां मिल गई और अगर कहीं कि, किस डेढ़ डेढ़ ऊंट देने की बारी आई मिसाल के तौर तो पे तो एक ऊंट दे दिया गया पांच बकरियां दे दी गई तो यहाँ पे आपने एक ऊंट को कितनी बकरियों के बराबर रखा है दस।, दस के और ये कुर्बानी वाली हदीस के ईन मुताबिक है क़ुरबानी वाली हदीस में क्या आता है यह हदीस में आपके सामने रखना चाहूँगा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हम नबी अलीस्म के साथ थे और सफ़र में थे तो कुर्बानी आ गई ईद आ गई तो हम ऊंट में शरीक हुए दस दस लोग और गाय में शरीक हुए सात सात लोग इस अदीज़ को इमाम इबन माजा ने रिवायत किया अपनी सुनन में और इसका नंबर है थ्री वन थ्री वन तीन हजार एक सौ इकतीस लेकिन मसला ये है यहाँ पे इश्काल ये पैदा होता है कि एक और अदीस है हमारे पास जिसे जनाब जाबर रवायत करते हैं कि हमने हदैैबिया के मकाम पे नबी अलीलातम के साथ ऊँट जबा किए तो वहाँ ऊँट में सात लोग शरीक हुए और गाय में भी सात लोग शरीक हुए और इस अदीस का नंबर क्या है इसका नंबर इब्ने माजा में है तीन हज़ार एक सौ बत्तीस थ्री वन थ्री टू और गारबन ये रिवायत मुस्लिम में भी आई है वहां पे नंबर क्या है वन थ्री वन एट तो अब एक मकाम पे आया है कि ऊंट में कितने शर्क हुए हैं सात और ये कुर्बानी वाली अदीस में आया है ऊंट में कितने शरीक हुए हैं दस और जो भी हदीस हम पढ़ रहे हैं ये माली गनीमत की हदीस होगी तो इसमें भी आपने यानी कि एक ऊंट के बराबर कितनी बकरियों को किया दस, दस को तो गुजारिश ये है कि इन में कोई इश्काल नहीं है क़ुरबानी वाली हदीस से पता चला कि किर्बानी के मौका पे अगर ऊंट ज़िबा किया जाए तो उसमें कितने लोग शरीक हो सकते हैं दस और वो जनाब जाबल वाली अदीस है कि उदैबिया के मकाम पर एक ऊँट में सात लोग शरीक हुए तो ये क़ुरबानी नहीं है ये हज या उम्र है तो हुदैबिया में क्या था उम्र उम्र करने के लिए गए थे न और ऐसी ही हदीस मिलती है हज के बारे में तो पता चला कि हज और उम्र में जब कुर्बानी दी जाएगी तो ऊंट में कितने लोग शरीक हो सकते हैं सात लोग ऊंट के ऊँटनी में सात लोग शरीक हो सकते हैं और जो वो कुर्बानी है ईद उलह जिसे कहते हैं जो घर में की जाती है जिसका हज उम्रे से ताल्लक नहीं, नहीं है तो उसमें दस लोग शरीक हो सकते हैं तो फादल आश्रतम गा बरन नबी अलीसम ने दस बकरियों को एक ऊँट के बराबर ठहराया फलद मिनर उन ऊंटों में से एक ऊँट बाघ खड़ा हुआ फतल अबूहू तो उन्होंने उसका पीछा किया उसको पकड़ने की कोशिश की फआ या हम लेकिन उसने उनको थका दिया उनको बेबस कर दिया पकड़ाई नहीं दिया आदत आ गए बेबस हो गए वक़ान फिलकौम खैर लोगों में चंद ही घोड़े थे लोगों में घोड़े बहुत कम थे घोड़े घुड़सवार बहुत कम थे इसका क्या मतलब है कि घुड़सवार घोड़े बहुत कम थे मतलब यह है कि घोड़ों पे पीछा करना मुमकिन है लेकिन घोड़े बहुत कम थे फाह वमिन बिश्स मिन फसहुल्ल तो उनमें से एक आदमी ने कस्त किया किसका तीर का तीर पकड़ा और तीर क्या किया वो यानी के तीर छोड़ दिया तीर मारा तीर फेंका फहाबा तो अल्लाह ताला ने उस ऊंट को रोक लिया यानी के तीर उसे जा लगा तो रुक गया फाह वाह रद मिन तो उनमें से एक आदमी ने कस किया किसका तीर का और आगे अल्फाज क्या मुकद्दर होंगे महजूफ़ होंगे के तीर उसको लगा फाबा साहुल्ला तो ने उसको रोक लिया। दिया सुमक फिर कहा किसने नबी अली सात नाम ने इनहादिल बहा इम अवाबिद अवाबिदिल अवाबिदिलवाह अवाबिद ये आबिदत उनकी जमा है किसको कहते हैं भागने वाले उनको कहते हैं बिदकने वाले भागने वाले आप फरमा रहे हैं कि इन जानवरों में से कई भागने वाले होते हैं बिदकने वाले होते हैं कवा बदिल वह वह भागने वाले जानवरों की तरह इनके का जानवर जो होते हैं जंगली जानवर यानी के वो आमतौर पे काबू में नहीं आते वो तो खुले होते हैं भागने वाले होते हैं लेकिन जो पालतू तो जानवर होते हैं वो तो इंसान के कंट्रोल में रहते हैं मुशर होते हैं इंसान के ताबे होते हैं लेकिन कभी कभी इनमें ऐसा जानवर निकल आता है जो जंगली जानवरों की तरह होता है यह आप फरमा रहे हैं इन नलिहाल बहा इमी अवाबिद इन जानवरों में कुछ क्या होते हैं भागने वाले भिदकने वाले होते हैं कबाब दिलवाही जंगली जानवरों के भागने की तरह फमा गल बकुम फाऊ कदा तो इन में से जो तुम पे गल आ जाए तुम्हें मगलूब कर दे पकड़ाई ना दे बाग खड़ा हो फ ना हो बिहाकदा तो उसके साथ इसी तरह करो क्या मतलब तीर वगैरह मार के उसे रोक लो यानी कि इस अंदाज से उसे क्या कर लो रोक लो मुराद यह है कि उसको इस अंदाज से जिबा कर लो इस अंदाज से उसे यानी कि पकड़ लो अब बाकायदा तुम्हें जिबा करने का मौका तो नहीं मिलेगा लेकिन इस अंदाज से उसे तुम ज़िबा कर लो इनकी बिस्मिल्लाह पाल कर तीर छोड़ा जाए तो वो ज़िबा के हुक्म में हो जाएगा अब यहाँ पे चाहे वो उसको टांग पे जाके लगा हो या पेट पे लगा हो या गर्दन पे लगा हो जहाँ भी लगा हो

कब कल इनके कल हमें उम्मीद है या मैंने कहा कि हमें ख़तरा है किस चीज़ का दुश्मन से मुलाकात का दुश्मन से लड़ाई का दुश्मन से आमना सामना होगा यकीनन हमें उम्मीद है औ न खाफू या हमें ख़तरा है इरावी रावी को शक हो गया है कि क्या यह कहा था कि दुश्मन से मुलाकात की उम्मीद है या ये कहा था दुश्मन से मुलाकात का खतरा है कब गदन कल वली सतमाना आमुदा और हमारे पास छुरिया नहीं हैं हमारे पास छुरिया नहीं, नहीं हैं आफा नद बाहू बिलकसब क्या हम बाँस के साथ ज़िबा कर सकते हैं इनके दुश्मन से लड़ाई होगी दुश्मन के कई जानवर हमारे कंट्रोल में आएंगे भूख हमें लगी होगी तो क्या हम जानवर जो हैं वो ज़िबा कर सकते हैं किसके साथ बांस के साथ, बांस के साथ। छुरी तुम्हारे पास नहीं है और तलवार से भी हम ज़िबा नहीं करेंगे क्योंकि तलवार से जिबा करेंगे तलवार के खराब होने का खतरा है तो क्या हम बांस के साथ इनके बांस के टुकड़े के साथ या बांस के छिलके के साथ क्यों कई छिलके बहुत तेज होते हैं छुरी का काम करते हैं तो क्या हम ज़िबा कर सकते हैं बांस के साथ काला तो आप अलीस्म ने फरमाया मैं दम वजुकी रसम आलही फकलू जो भी चीज खून बहा दे क्या कर दे खून बहा दे खून निकाल दे जानवर का जो भी चीज खून बहा दे और उस पे अल्लाह का नाम पढ़ लिया जाए अल्लाह का नाम ले लिया जाए फकलू हूँ तो तुम उसे खाओ लेस लेना व दांतों और नाखनों के अलावा दांतों और नाखनों के अलावा मसूहद सुकुमंद का और मैं तुम्हें बताऊंगा इनके बारे में किन के बारे में दांतों के बारे में और नाखनों के बारे में अम्मसिन सिदमुन जहां तक ताल्लुक है दांत का तो वो तो एक हड्डी है और जहाँ तक तल्लुक है किसका नाखन का फमुदल हबशा तो ये हबशियों की छुरी है लेकिन की हैं हबशियों की, की हैं तो ये आखिरी अल्फाज इन पे हम गौर करते हैं क्या कह रहे हैं नबी अली अलीसम मा अन हर दम वधू की रसम फकलू जो भी चीज खून बहा दे खून अच्छी तरह निकाल दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो ऐसे जानवर को तुम खा सकते हो तो यहां पे जानवर को खाने की इजाजत कितनी शर्तों के साथ मिली है दो शर्तों के साथ नंबर एक जिस चीज से आप ज़िबा करें वो अच्छी तरह खून बहाने वाली हो नंबर दो उस पर क्या लिया जाए अल्लाह के नाम लिया जाए तो इस हदीस को और इन अल्फाज को दलील बनाया है उनमाएं के नाम ने जो कहते हैं कि जिबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना शर्त है और ये कौन है इनमें मालकी भी हैं और इन इनमें हन्फी के नाम भी हैं वो कहते हैं कि देखें नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर को खाने की इजाजत दो शर्तों के साथ दी है एक ये कि जिस चीज से जिबा करें जिस आले से वो क्या हो अच्छी तरह खून बहाने वाला हो नंबर दो आप उसके ऊपर क्या पढ़े तकबीर पढ़ें बिसमिल्ला पढ़े बिस्मिल्ला अकबर पड़े तो इसलिए ये कहते हैं अगर कोई आदमी बिस्मिल्ला नहीं पढ़ता तो जानवर ज़िबा हलाल नहीं होगा जानवर ज़िबा होने के बावजूद हलाल नहीं होगा क्योंकि इसको शरी तरीके से ज़िबा नहीं किया गया शरीयत ने दो शर्तें लगाई थी तो उनमें से आपने एक शर्त पूरी नहीं की तो जानवर हलाल नहीं है जिन उमा के नाम ने मौकफ अपनाया है कि बसमिल्ला ना पढ़ने की वजह से जानवर क्या हो जाता है हराम हो जाता है उनके दलैल में से एक दलील सुर नाम की यह आयत है जिसका नंबर है एक सौ इक्कीस वन टू वन वाला उन जानवरों का गोश्त ना खाओ जिन पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और जानवर पे अल्लाह का नाम ना लेना फिस्क है गुनाह है तो ऐसे के नाम कहते हैं कि जिस जानवर पे आप अल्लाह का नाम नहीं लेंगे जिबा करते वक्त वो हलाल नहीं है आप जानबूझकर नाम ना लें या भूल कर नाम ना लें दोनों बराबर हैं जानबूझकर नाम नहीं लिया तब भी वो जानवर हराम है आप भूल गए फिर भी जानवर क्या है हराम, हराम है दूसरा मौका यह है कि अगर कोई जानवर जिबा करते हुए नाम लेना भूल गया तो जानवर हलार रहेगा अगर वो मुसलमान है और अगर उसने जानबूझकर नाम नहीं लिया तो फिर जानवर क्या है हराम है दलील क्या है इन लोगों की इन लोगों की नुमाइंदगी करते हुए जनाब अब्दुल्लबिन अब्बास कहते हैं और इमाम बुखारी ने उनसे रिवायत किया है मैं अल्फाज आपके सामने रखता हूँ इमाम बुखारी कहते हैं कि अब्दुल्ला बबिन अब्बास रद्ला तरनुमामा कहते हैं मन नला बसा जो भूल जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है उसके लिए कोई मसला नहीं, नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वाला कुलू मिमात करसम वनफिस अल्लाह ने कहा है कि उस जानवर में से तुम नहीं खा सकते जिस जानवर पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और अल्लाह ने यह भी क्या कहा है कि जानवर पे अल्लाह का नाम ना लेना गुनाह है फिस्क है इनके एक जुर्म है अच्छा अब ये फिस्क के अल्फाज बता रहे हैं कि जानवर पे नाम ना लेना तब फिस्क है जब जानबूझ कर ना लिया जाए जो भूल जाए तो उसके बारे में कुरान कैसे कह सकता है कि वो फासक है या उसने फिस्क किया है या उसने गुनाह किया है तो क्योंकि अल्लाह तो कहते हैं ना नाला तो आखिद ना इन नसी ना वख्ता ना कि अगर मेरा बंदा भूल जाए या खता कर बैठे तो उस पर कुछ नहीं है और नबी अलीस ने भी बिशारत दी थी कि इन तजावन उम्मती अल्फ़ा वनिसान्म्री वाले ही अल्लाह ने मेरी उम्मत की भूल भी माफ़ कर दी है खता भी माफ़ कर दी है और अगर उन्हें किसी काम पर मजबूर कर दिया जाए और वह गुनाह हो तो वह भी इनके लिए माफी है तो अब खुलासा कलाम क्या है दुरुस्त मौक़ क्या है वल्लुआलम दुरुस्त मौक़ यहीं लगता है कि अगर कोई जानवर को ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह जानबूझ कर नहीं पड़ता तो वो जानवर हलाल नहीं है क्योंकि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और अगर मुसलमान है नाम लेना चाहता था या वो नाम लिया करता है उसके अकीदे का हिस्सा है कि जानवर ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लिया जाए लेकिन भूल गया तो इन वो जानवर क्या रहेगा हलाल रहेगा और उसका घोच खाया जा सकता है इमाम तबरी र्ला फरमाते हैं इस बात पे उलमाई के का इजमा है इस बात पे उलमाई के का क्या है इत्तिफ़ाक है उसके बाद हमारा मसला ये है कि नबी अलीस् ने फरमाया कि जो भी चीज जानवर का खून निकाले और उस पर अल्लाह के नाम लिया जाए तो तुम उसको खा सकते हो आप कहते हैं सवाए किसके दांत की और सवाए नाखून के फिर आपने बताया कि इन दोनों का क्या मसला है फरमाया दांत इसलिए कि दांत क्या है हड्डी है और नाखून इसलिए कि वो अफशियों की हैं जब आपने कहा कि दांत से ज़िबा करना दुरुस्त नहीं है इसलिए कि वो क्या हड्डी है इसका मतलब ये है कि हड्डियों के साथ जानवर ज़िबा करना इसके बारे में आप पहले से पाबंदी लगा चुके थे और इस मौका पे कहा है कि दांत से ज़िबा नहीं कर सकते क्योंकि ये हड्डी है कई एक के नाम ने यहीं से यहां से यह मसला अखज किया है जब आप कह रहे हैं कि दान से तुम जीवा नहीं कर सकते क्योंकि वो हड्डी है इसका मतलब यह है कि पहले से आप पाबंदी लगा चुके थे कि किसी भी हड्डी के साथ जानवरों को ज़िबा करने की इजाजत नहीं।, नहीं है और फिर फरमाया जहां तक तल्लुक है नाखरों का तो वो छुरियां हैं किन की हफ्ओों की तो इससे पता चला कि इसमें मुशाबत है हफ्ओों की अगर मुसलमान नाखरों से ज़िबा करेंगे तो मुशावत है किन की हफ्ओों की काफिलों की वो ये हरकत करती हैं तो मुसलमान को काफलों की नकल करने की तकलीद करने की मुशाबत करने की इजाजत नहीं।, नहीं है और दूसरा सबब यह है कि नाखन से जानवर ज़िबा करेंगे तो जानवर को तकलीफ होगी अजाब होगा वो तड़पता रहेगा क्योंकि तो नाखन जल्दी से उसको जिबा नहीं कर सकेगा तो उसकी जान निकलने में एक वक़्त लगेगा तो ये उसे तकलीफ देना है उसे अजाब देना है इसलिए शरीयत ने नाखलों के साथ जानवर को ज़िबा करने से मना किया है रोका है मुझे उम्मीद है कि यह हदीस वादे हो चुकी होगी अब हम बढ़ते हैं उस हदीस की तरफ जो इसके बाद है यहाँ पे एक मसला बल्कि रह गया है वो क्या कि आपने वो गोश्त क्या किया गिरा दिया आपने हुक्म दिया गोश्त गिरा दिया जाए इससे पता चला कि माली जुर्माना डाला जा सकता है अगर कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर माली जुर्माना डाला जा।, डाला जा सकता है यहां पे यह गोश्त जो है उसको गिराने का हुक्म दिया गया क्योंकि तकसीम करने से पहले ही उन लोगों ने आपकी इजाजत के बगैर इन जानवरों को जिबा किया और फिर उन्हें इनके अपनी हंडिया पे गोश्त रख के आग पे चूल्हे पर चढ़ा दिया तो आपने इस पर नाराजगी का इजार किया और ऐसे गोश्त को गुलाने का हुक्म दिया अब हम बढ़ते हैं हदीस नंबर ग्यारह इकतीस की तरफ वन वन थ्री वन खा। इस को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम बुखारी अनका बिबिनि मिकन अन न हो कान तहन तर आर काबिल मालिक अंसारी से रवायत है ये काबिल मालिक कौन है ये उन तीन सहाबे के नाम में से एक हैं जो तबूक की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे और तबूक की लड़ाई में शरीक होने वाले दीगर भी बड़े लोग थे लेकिन वो मुनाफक थे या वो ऐसे थे जिनका हकीकी उज़र था कोई नबीना है किसी और का कोई और उज़र है लेकिन ये तीन ऐसे थे जो मुनाफक भी नहीं थे और जिनका कोई शरी उज़र भी नहीं था जिहाद में शरीक नहीं हुए तबूक में शरीक नहीं हुए ये इनकी गलती थी सुस्ती थी लेकिन मुनाफक नहीं थे इसलिए उन्होंने नबी अली अलीस्त से जब मुलाकात की जब आप वापस आए लड़ाई से तो उन्होंने झूठ नहीं कहा सच कह दिया कि हमारे पास कोई उजर नहीं था कोई बहाना नहीं था मुनाफक आते रहे अपने अपने उजर पेश करते रहे और आप उजर सुनकर उन्हें माफी देते रहे लेकिन काबिल मालिक ने और इनके दो और साथियों ने झूठ नहीं कहा सच कहा इसलिए आपने इनका मामला अल्लाह के सबूत कर दिया कि तुम लोगों का फैसला कौन करेगा अल्लाह करेगा तो इनका फिर बाइकार रहा कितने दिन पचास दिन और इनकी सूरत हाल ये हो गई थी कि अल्लाह तला फरमाते हैं कुरान हकीम में हत्या तले मिल अर्द जमीन कुशादा होने के बावजूद इन पे तंग हो चुकी थी क्योंकि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था तो फिर अल्लाह ने इनकी तोबा कबूल की तो ये हैं काब अंसारी सच्चे साहबी हैं अल्लाह कांतर ग वो कहते हैं कि उनकी कुछ बकरियाँ थीं उनकी बकरियों का क्या रेवर था उनकी कुछ बकरियां थी तरा जो चरा करती थी कहां पर सला पहाड़ पे अरबी में लाम के सुकून के साथ है लाम पे जबर नहीं है लेकिन उर्दू में सल कहना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए हम क्या कह देते हैं सला वरना हकीकत में लाम के ऊपर जबर नहीं है यह ऐसे ही जैसे हम कह देते हैं खुला हालांकि वर्बी में लफ्ज क्या खुल तो काबे मालिक कहते हैं कि उनकी कुछ बकरियां थीं जो सला पहाड़ पे चरा करती थीं अच्छा अब मैं बताना चाहूंगा सला पहाड़ कौन सा है क्योंकि बहुत से अहबाब ने मदीना देखा हुआ है कई वहाँ पे रहते हैं कई वहाँ पे जाते रहते हैं और कहीं उम्र हज पे जाते हैं और कई इन जाने वाले होंगे तो सर आप पहाड़ कई लम होना चाहिए कौन सा पहाड़ है जब आप मसर नबी से निकलेंगे ए, उस गेट से जिसका नंबर है तेरह या आप कह लें ग्यारह दस इनके इन गेट से आप निकलेंगे जिधर से मस्जिद नबी में जमज़म भी मिलता है घर में ले जाने के लिए और जिधर सकीफा बनी सायदा भी है यानी कि वो जगह जहाँ पे जनाब अबू बकर की बैत हुई थी रजियल जिधर किसी ज़माने में साप्टकों का अड्डा हुआ करता था नकुल जमाई का अब तो किसी और जगह शिफ्ट हो चुका है तो इस साइड से जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या होगा पहले होटल आएंगे उसके बाद मेन सड़क आ जाएगी रिंग रोड आ जाएगा और उसके ऊपर आजकल पुल भी बन चुका है कुबरी बन चुकी है तो उसके साथ ही दाइन साइड पे वो पहाड़ होगा वसी वरीज़ पहाड़ है और ये वही पहाड़ है मज़ीद आसान कर देता हूँ मामला कि जब आप जियारतों के लिए जाते हैं मदीना मनौरा के मुख्तलिफ मकाम देखने के लिए जाते हैं तो एक जगह आप जाते हैं जिसको क्या कहते हैं सबा मसाद सात छोटी छोटी मस्जिदें और वहाँ पर सऊदी हुकूमत ने बड़ी मस्जिद बना दी मस्जिद खंदक तो ये सात मस्जिदें या मशत खंदक जिस पहाड़ के नीचे हैं वो पहाड़ क्या है वो सरा पहाड़ है यानी कि उसकी इस पहाड़ की एक जानव वो है जो नबी की तरफ है दूसरी जानव वो है जिधर मस्जिद खंदक है और सभा सबा है। तो ये क्या है सला पहाड़ तो ये उसकी बात हो रही है तो क़ाब बिन मारग जो हैं, उनकी बकरियां इस पहाड़ पे चरा करती थी फारना बिशा तिमिन मऊतन तो काब कहते हैं हमारी एक लौंडी ने हमारी बकरियों में से एक बकरी पे क्या देखी मौत देखी इनको उसने महसूस किया ये तो मरने वाली है हमारी लौंडी ने हमारी बकरियों में से किसी बकरी पे क्या देखी मौत मौत के लम्हात के जैसे मरने वाली हो मरी नहीं है मरने वाली हो हजरन उसने क्या किया उसने एक पत्थर तोड़ा फी तो उसने बकरी को इस पत्थर के साथ जिबा किया पत्थर को तोड़ा तो उसमें से एक ऐसा पत्थर निकला निकलाया जो छुरी की तरह तेज था तो उसके साथ क्या किया इस बकरी को जिबा कर दिया फ़काल तो उनसे कहा किसने काब ने किन से कहा अपने घर वालों से लाता कुलू इस बकरी का गोश्त ना खाना हत्ता हत्या नबी वसलम हती के मैं नबी अलीस्म से मसला पूछ लू यहां तक कि मैं आपसे सवाल कर लूँ और नबी की हो या मैं नबी अलीसम की तरफ उसको भेज लूँ जो आपसे सवाल कर सके मसला पूछ सके रावी को शक है कि जनाब काब ने क्या अल्फाज कहे थे क्या ये कहा था कि मैं खुद पूछ लूँ ये कहा था ये मैं किसी को भेजूँ और वो सवाल कर ले वह नबी सदा का अरसल और बेशक उन्होंने जिनाब काब ने जनाब नबी अलीलात तो उसम से इस बकरी के बारे में सवाल किया अरसला या उन्होंने किसी को भेजा फ आमारा तो आपने का आपको हुक्म दिया भी अकलहा इस बकरी के गोच खाने का कि तुम इसका गोच खा सकते हो इसका गोश ज़ाया नहीं करना हलाल है तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या क्या मसाइल हमें मालूम हुए एक तो ये कि औरत जिबा करे तो उसका ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल है इस वजह से जानवर हराम नहीं होगा कि औरत ने उसको ज़िबा किया है और इससे पता चला कि मर्दों औरतों के लिए दीन एक ही है अल्लाह इज़्ज़त ने दीन इस्लाम नाज़र किया जो दीन मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए है जो औरतों के लिए है वही मर्दों के लिए है। कहीं कहीं पे फ़र्क़ है जहाँ पे फ़र्क है शरीत ने वादे कर दिया जहाँ पे शरीत ने फ़र्क नहीं किया वहाँ जो दीन मर्दों के लिए वहीं औरतों के लिए इसलिए हम कहते हैं कि नमाज की अदायगी का तरीका अल्लाह अकबर से लेके इस्लाम फिरने तक मर्दों औरतों के लिए बिल्कुल एक है हाँ नमाज शुरू करने से पहले फ़र्क है लिबास के लिहाज से लिबास मर्द का औरत नमाज में और होगा औरत का नमाज में लिबास और होगा औरत से कहा गया तुम्हारी नमाज कहाँ अफजल है तुम्हारे घर में मर्द से कहा गया तुम्हारी नमाज वाजब है कहाँ पे हो मस्जिद में तो इस किस्म के फ़र्क जो हैं वो नमाज़ शुरू करने से पहले पहले हैं लेकिन अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फिरने तक तरीका नमाज अदायगी का तरीका एक ही है रफुल्दैन का तरीका अतहियात में बैठने का तरीका हाथ बांधने का तरीका ये सब एक ही है और जो फ़र्क करते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है और यही सूरत जानवर को जिबा करने की है कि यहां पे लौंडी ने जानवर जिबा किया है और आपने उस बकरी को हलाल करार दिया है आपने ये नहीं कहा कि लौंडी ने क्यों जिब्बा किया लौंडी का जिबा करना तो मकरू है या हराम है ऐसी कोई बात नहीं कही आपने उसके बाद इस अधीज से क्या मसला मालूम हुआ के पत्थर के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ जीबा करना जायज है जो छुरी का काम करे जो क्या काम करे छुरी का वो चाहे बांस हो चाहे पत्थर हो चाहे कोई भी चीज हो उस लेकिन दो चीजें ममलूह हैं जैसा कि पहले आप बता चुके हैं क्या दांत और नाखून उसके अलावा इस हदीस से पता चला कि जो आपके जानवरों को चराने वाला है चरवाहा या जो आपका वकील है किसी काम में आपने उसको अपना वकील बनाया कि मेरा ये काम कर दें तो उससे नुकसान हो जाए उससे क्या हो जाए नुकसान हो जाए तो उसकी बात को कबूल किया जाएगा जब तक कि आपके पास कोई ऐसी दलील ना हो कि वो झूठ कह रहा है या वो झूठ कह रहा है या उसने खयानत की है मिसाल के तौर पे आप किसी को पैसा देते हैं कारोबार के लिए कि उसकी मेहनत होगी और आपका पैसा होगा अब आपने उसके ऊपर इतम किया है इतम करके पैसा आपने उसके हवाले कर दिया है अब वो आपको रिपोर्ट दे रहा है कि सारा पैसा ज़ाया हो गया है अब आपके जिम्मे है साबित करना कि ये कह रहा है या ये ख्यानत कर रहा है धोखा दे रहा है वरना जज उसकी बात को मानेगा क्योंकि आपने उस पर इतम किया आपका जो पैसा था उसके पास अमानत था तो आप कहते हैं उसने खयानत की है ये दलील आपको देना पड़ेगी ऐसे किसी और को आपने किसी काम के लिए भेजा और अपना नैब मुकर्र किया वकील बनाया उससे नुकसान हो गया तो अब आप उसकी बात पे यकीन करेंगे और अतमाद करेंगे ऐसे ही वो चरवाहा जिसके हवाले आप बकरियां कर देते हैं आप उसको बकरियां देते हैं ताकि वो उनको चराए उन्हें पाले आप उसको तन्हा देते हैं मिसाल के तौर पे, और उसने रिपोर्ट दी कि शेर आया और इतनी बकरियां खा गया भेड़िया आया इतनी बकरियां खा गया तो आप उसकी बात पे यकीन करेंगे इला ये कि आपके पास कोई दलील हो जिसकी वजह से आप कहें कि ये गलत कह रहा है झूठ बोल रहा है तो ये चंद बातें थी इस हदीस के ताल्लुक से हदीस नंबर ग्यारह सो इकतीस अब हम बढ़ते हैं हदीस नंबर ग्यारह सो बत्तीस की तरफ बाब नंबर चार बाब असईद अदिलकलबी वलकौस कुत्ते के साथ शिकार करना और कमान के साथ शिकार करना हदीस नंबर ग्यारह सो बत्तीस वन वन थ्री टू काफ इस अदीज़ के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किसका इमाम मुखारिक और इमाम मुस्लिम का अन अदी बिन हातम रवायत है जिनाब अदी बिन हातम तई से ये मशहूर वरूफ़ हातम ताई के बेटे हैं हातम ताई का नाम तकरीबन हर एक ने सुना हुआ है ये उसके बेटे हैं अदी तो अदी बिन हातम तई से रवात है वो कहते हैं साल तो रसूल अल्लाह वसलम मैंने सवाल किया किससे अल्लाह के रसूल से कुल तो मैंने कहा कौम बेशक हम लोग इन कुत्तों के साथ शिकार करते हैं इनके जरिए शिकार करते हैं तो सवाल का मतलब क्या है कि क्या हमारे लिए वो शिकार हलाल है जिसको ये लेकर आए तो क्या कह रहे हैं बिन ताई कि हम इन कुत्तों के साथ क्या करते हैं शिकार करते हैं फ़कला तो आपने कहा आप तो सामने फ़रमायादा अरसल तकिला फ़कुल मिमाईकुम के जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्ते भेजो कौन से कुत्ते नॉर्मल कुत्ते नहीं आम कुत्ते नहीं शिकारी, शिकारी कुत्ते जिनको तालीम दी जाती है पहले जिनको सिधाया जाता है तो दा अरसल तकिलालमा जब तुम अपने सिखाए हुए कुत्ते भेजो और अल्लाह का नाम लो उन उस कुत्ते को शिकार के लिए भेजते हुए क्या पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़ो तो जब तुम अपने तालीम याफ्ता या, या सिखाए हुए कुत्ते को कुत्तों को भेजो और अल्लाह का नाम लो फकुलम्मा सकन आलकम वन कतलना तुम खाओ उस शिकार में से जो वो तुम्हारे लिए रोक लें वह इन कतल अगरचे वो उसको मार डालें यानी कि तुम्हारे कुत्तों ने जिस जानवर का शिकार किया है तो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल है चाहे वो जिंदा मिले चाहे वो मुर्दा मिले जिंदा मिले तो आप उसको जिबा कर लें मुर्दा मिले तो कुत्ते का शिकार कर लेना ही काफी है और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी लेकिन शर्त क्या लगाई है कि अगर वो उन जानवरों को तुम्हारे लिए रोक लें इनके खुद उसमें से ना खाएं आप फरमाते इला अन्य कल्ब लेकिन ये कि कुत्ता खाए ये कुत्ता खाए तो फिर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है फरमाया फी अखाफ कून इन अम सक ولا نفسي क्योंकि मुझे ख़तरा ये है मुझे ख़दशा ये है मुझे खौफ ये है कि उस कुत्ते ने उसे रोका है अपने लिए उसने शिकार फिर आपकी वज़, आपके लिए नहीं किया किसके लिए किया आपने लिए किया व इन खा ला किला बुल मिन गई रिहा और अगर उन कुत्तों में खलत मल्त हो जाए तुम्हारे कुत्तों के अलावा कुत्ते फलाता अकुल तुम ना खाओ तुम क्यों ना खाओ क्योंकि तुमने अपने कुत्ते पे बिस्मिल्लाह पढ़ी है दूसरे के कुत्ते पे तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और तुम्हें वहां कई कुत्ते नजर आए हैं अब तुम्हें यकीन नहीं है कि शिकार मेरे कुत्ते ने किया या उनके कुत्ते ने किया तुम्हें पता नहीं चल रहा तो इसलिए ये तुम नहीं खा सकते तो इससे क्या पता चला कुत्ते के जरिए शिकार करना जायज़ है लेकिन कुत्ता कौन सा होना चाहिए शिकारी कुत्ता जिसको तालीम दी गई हो सिधाया गया हो और उसको जब शिकार के लिए भेजा जाए तो आप क्या पढ़ें बिस्मिल्लाह पढ़ें लेकिन अगर शिकारी जानवर उस शिकार जिस वो ये शिकारी कुत्ता अगर उस जानवर में से खा चुका हो जिसे उसने पकड़ा है तो फिर आप उसमें से खाए। ना खाएं उसके बाद अध नंबर ग्यारह सौ तैतीस वन वन थ्री थ्री अन अभी साल बतल खुशनी काल रवात जनाब अबूसालबा खुशनी रदी अल्लान से वो कहते हैं कुल तू मैंने कहा या नबी अल्लाह के नबी इ नाबी अर्द क़ौमिन अहल किताब बेशक हम ऐसी कौम की ज़मीन में रहते हैं जो अहल किताब हैं यानी कि हम ऐसे लोगों के इलाके में रहते हैं जो कौन है अहल किताब यहूदी और ईसाई हैं तो ये कौन सा इलाका था ये शाम का इलाक़ा तो शाम के इलाके में ये लोग रहते थे शाम के करीब शाम के बॉर्डर पे, शाम की हदूद पे। तो अबू सालबा खुशनी कहते हैं कि मैंने कहा नबी बेशक हम ऐसी कौम के इलाके में रहते हैं जो क्या है? हैं अहले किताब हैं अफान अकलूफ़ी आन यतीम क्या हम उनके बर्तन में खाना खा सकते हैं सवाल क्यों पैदा हुआ सवाल इसलिए पैदा हुआ कि वो लोग अपने बर्तनों में खंजीर का गोश्त पकाते हैं वो अपने बर्तनों में शराब पीते हैं तो इसलिए सवाल करें फी क्या हम उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम उनके बर्तनों में खाना खा सकते हैं वी अर्द सई दूसरा सवाल यह है कि हम रहते हैं शिकार वाली जमीन में इलाके में रहते हैं जहां पे क्या होता है शिकार होता है शिकार होते शिकारी जानवर मिल भी जाते हैं जिनको शिकार किया जाता है और लोग शिकार करते भी हम हैं हम ऐसे इलाके में रहते हैं असीद बिकौसी मैं शिकार करता हूं किसके साथ अपनी कमान के साथ कमान से अमरा तीर कमान वह भी कल भी और मैं शिकार करता हूं अपने ऐसे कुत्ते के साथ सा भी मालम जो सिदाया हुआ नहीं होता जो तलीम याफ़्ता नहीं होता जिसे ट्रेनिंग नहीं दी गई होती वह भी कल बिलुआलम और मैं अपने उस कुत्ते के साथ भी शिकार करता हूँ जो सिदाया हुआ होता है तलीम याफ्ता होता है और जिसे ट्रेनिंग दी गई होती है फमायली तो मेरे लिए क्या ठीक है मेरे लिए क्या हलाल हला है यानी कि जो शिकार मैंने किया है अपने तिर के साथ क्या वो हलाल है या वो जानवर जिसको मैंने शिकार किया आपने उस कुत्ते के साथ जो तलीम याफ्ता नहीं है या जो मैंने शिकार किया आपने उस कुत्ते के साथ जो तलीम याफ्ता है कौन किसका शिकार मेरे लिए हलाल है ये सवाल कौन कर रहे हैं जी अबू खुशनी बा खुशनी रजी अल्लाह तला तो आप अली सौना क्या फरमाया अम्मा मा द कर तमिन अहल किताब फ़िन वजत तुम गई रहा फ़ला जहाँ तक ताल्लुक़ है उस बात का जिसका तूने तस्करा किया अहल किताब के बारे में पहले किताब के बारे में क्या कहा था कि हम उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं जहाँ तक ताल्लुक़ है उस बात का जिसका तो ने किया अहल किताब के बारे में फ इन वजत तुम गई रहा अगर तुम पाओ उनके बर्तनों के अलावा फलात ताकलूफ़ी तो फिर तुम इनके बर्तनों में ना खाओ अगर तुम्हें उनके बर्तनों के अलावा बर्तन मयसर हैं मौजूद हैं मिल रही हैं तो इनके बर्तनों से इतनाब करो परहेज करो फमाए फ़ाइन वजद तुम गई रहा अगर तुम उनके अलावा बर्तन पाओ फलाकलूफ़ी हा तो उन किताब के बर्तनों में खाना ना खाओ इल्लम वह और अगर तुम ना पाओ क्या मतलब अपने बर्तन ना पाओ या उसके हाँ यानी कि इसके अलावा तुम्हें बर्तन ना मिल सकें बस तुम्हारा तुम्हारी मजबूरी बन जाए इनके बर्तन इस्तेमाल करना कि इनके योदियों सही के तो क्या करो फखसलू हा तो इनके बर्तन धो दो लो धोए बगैर ना खाओ इनके बर्तन धो लो वकुल और उनमें तुम खा सकते हो उसके बाद आपने कहा वमा सित तबिकोसी का फ कर तस्मल्ला फ़कुल और जिसे तुम शिकार करो अपनी कमान के साथ और अल्लाह के नाम लो फकुलू तुम उसे भी खाओ खा आगा सकते हो उसे तुम क्या कर सकते हो खा सकते हो वमाफित बिकल बिकल मुआलम फज़क़र तस्मल फकुल और जिसे तुम शिकार करो अपने सिदाए हुए कुत्ते के साथ तलीम याफ़्ता कुत्ते के साथ और तुम उस पर अल्लाह का नाम लो तो तुम उसे भी खा सकते हो तिर के साथ शिकार किया अल्लाह के नाम लिया शिकार तुम्हारे लिए क्या हलाल है आपने शिकार किया सदाए हुए कुत्ते के साथ और कुत्ते को छोड़ते हुए बिस्मिल्लाह पड़ी है तो जो शिकार उसने किया है वो आपके लिए क्या हलाल है अगर उसने खुद उसमें से खाना अगर उसने उसमें से गोश्त ना खाया हो वित बिकल बिका गैरमिन फ अदरक हो फकुल और जिसका शिकार तुम करो अपने उस कुत्ते के साथ जो तालीम याफ्ता नहीं है जो सिदाया हुआ नहीं है अदरक अदकाता हूं और तुम उसके जिबा होने को पा लो फकुल तुम खा लो यानी कि आपने शिकार किया किस कुत्ते के साथ जो शिकारी नहीं है लेकिन उस जानवर को जिबा करने का आपको मौका मिल गया जिसका उसने शिकार किया है तो तुम उसे भी खा सकते हो क्योंकि खुद आपने ज़िबा कर लिया उसके बाद नंबर पांच बाप क्या बाप तहरीमी नस्बा कुछरियों वाले दरिंदों का हराम होना किसका हराम होना कुछ कुछरियों वाले दरिंदों का तो अभी हदीस पढ़ते हैं तो उसमें मजीद वजाहत आ जाएगी इंशाला

कुचली वाले दरिंदे से क्या किया है मना किया है वह अनकुल लिदी मखलबी मिनतरी और हर पंजेदार परिंदे से भी आपने मना किया है क्या मतलब वो दरिंदा जो कुचरी से शिकार करे तो वो क्या है वो खुद क्या है हराम है आप उसको मार के खा नहीं सकते ऐसे ही वो परिंदा जो शिकार करे किसके साथ पंजे के साथ पंजे के नाखनों के साथ तो वो भी आपके लिए हलाल नहीं, नहीं है मजीद समझते हैं इस बात को कुचली किसे कहते हैं कुचली नोकीले तेज दांतों को कहते हैं और इंसानों में ये दांत जो होते हैं उनकी तरतीब क्या है कि सामने वाले चार दांत इनको छोड़ दें इनके साथ जो दांत होगा दाई साइड पे भी और बाई साइड पे भी नोकदार नोकदार होगा और वो क्या है वो है नाब उर्दू में हम क्या कहते हैं कुचली अरबी में क्या कहते हैं नाब इस दांत का नाम क्या है नाब, नाब। फिर बता दो इंसानों में ये दा, इस दांत की तरतीब क्या है कि सामने वाले चार दांत आप छोड़ दें ऊपर भी ऐसे ही है नीचे भी ऐसे ही है चार दांत छोड़ दें उसके बाद जो दाई साइड पे दांत है और बाइन साइड पे दांत है और दाड़ों से पहले पहले है वो क्या है नाब, नाब। उर्दू में क्या कहेंगे कुचली दांत जो है जानवरों में वृंदों में बहुत ज्यादा वादे होता है और बड़ा बड़ा होता है आप कभी तस्वीर देखें शेर की मिसाल के तौर पर उसके मुंह की तस्वीर देखें बल्कि आप कुत्ते की देख लें तो आप देखेंगे कि उसका यह दांत बड़ा बड़ा होगा और वाजे होगा खौफनाक होगा इसी से वो क्या करता है शिकार करता है चीरता है फाड़ता है तो जो ऐसे दरिंदे हैं ये बजाते खुद जो हैं, ये हलाल नहीं है ये बजाते खुद हलाल नहीं, नहीं है कुत्ता है आप उसके जरिए शिकार करेंगे लेकिन खुद कुत्ता डाल लेंगे क्योंकि वो क्या है वो भी दरिंदा है और कुचली वाला है तो यही कुछ आपने कहा है नहा रसूल सदी नबी मिनसबाई अल्लाह के रसूल ने हर कुचली वाले दरिंदे से क्या किया है मना किया है मिसाल के तौर तो पर शेर भेड़िया चीता वगैरह वगैरह। उसके बाद वानकुल लिदी मिन तरी और ऐसे ही आपने मना किया है पंजेदार परिंदे से वो परिंदे जो अपने पंजे के नाखलों से क्या करते हैं शिकार करते हैं चीरते हैं फाड़ते हैं वो खुद क्या है हराम है मिसाल के तौर पे शाहीन बास चील गिद अब ए, ये चीजें जो है शहीन और बाद इनके जरिए आप शिकार करते हैं लेकिन खुद उनका शिकार वो दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो क्या है वो हराम है उसके बाद बाब नंबर छप तहरीमसिया इंस किस को कहते हैं इंस इन्स, इंसान को इसी से लफजा है नासनास किन को कहते हैं इंसानों को तो कुछ गधे वो होते हैं जो परवरश पाते हैं इंसानों के यहाँ इंसानों में रहते हैं इंसानों से मालूस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं घरेलू गधे अरबी में क्या कहते हैं अल उल इंसिया इंसानों में रहने वाले इंसानों से मानूस हो जाने वाले गधे और कुछ गधे कौन से होते हैं जंगली जंगली गधा और कई लोगों ने कहा है कि उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं जैबरा इंग्लिश में क्या कहते हैं जैबरा तो आप यहां पे बता रहे हैं कि जो घरेलू गधा है जो इंसानों के साथ रहता है उसका गोश्त क्या है है आप उसे सवारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर बैठ सकते हैं बोझ डाल सकते हैं ये फायदे हासिल कर सकते हैं लेकिन उसको जिबा करके आप उसका गोश्त नहीं खा सकते गदी का दूध आप नहीं ले सकते तो यहां बाब है घरेलू गदों की हरमत का बयान हदीस नंबर ग्यारह सो पैंतीस वन वन थ्री फाइव फ इस अदीज़ के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किसका इमाम का। बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अबी सालबा तकाल हरम रसूल सल्हु वसलमिया अबो सालबा खुशनी से रैत है वह कहते हैं हराम किया नबी अलीसम ने घरेलो गदों के गोश्त को और ये कब की बात है गजब खैबर के बाद खैबर की लड़ाई जो यहूदियों से लड़ी गई थी उसके बाद और ये वजाहत आई है नसाई शरीफ की हदीस में जिसका नंबर है नसाई में फ़ोर थ्री फ़ोर सिक्स और ये जो हदीस है ये जो वाक़ है ये तफसील के साथ आया है बुखारी में और अवैध करने वाले जनाबी अनसबिन मालिक और हवाला उसका क्या है फाइव फाइव टू एट पाँच हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस ये अदीस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब कलाम किस कदर नबी अलीस्त उसम की इताद करने वाले थे आपकी इताद का कितना उनके पास ज़... कितना जज्बा था उनमें आनेस में मालिक कहते हैं इस हदीस के मुताबिक जो मैंने आपको अभी बताई है कि खैबर की लड़ाई में सहाब कलम को बड़ी भूख लगी हुई है लड़ाई ख़त्म हुई वहां पे गधे मौजूद थे साबाक राम ने पकड़े जिबा किया गोश्त बनाया बोटिया बनाई और उन्हें हांडियों पे चढ़ा दिया गोश्त उबर रहा है और भूख अपने जोबन पे है नबी अली अलीस्म को इतला मिली कि कई लोगों ने गधे जिबा किए हैं और उनका गोश्त ठंडिया पे रख दिया गया है उबर रहा है भूख लोगों को लगी है खाने वाले हैं तो आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गधे हराम कर दिए हैं और यह गोश्त जो हंडिया में रखा हुआ है इसको क्या करो उलट दो, उल्ड़ दो। तो क्या किया साहब उन्होंने ये नहीं कहा कि आज तो खा लें भूख लगी है आइंदा नहीं खाएंगे आज लोग परेशान हो जाते हैं जब अल्लाह के दीन की वजह से मुश्किल आई लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह के दीन पर थोड़ा सा अमल करें फौरी तौर पर हमारे सब रास्ते आसान कर दे भाई यह कैसे मुमकिन अल्लाह तो अपने बंदों को आजमाते हैं फरमायासी नाकूल आमलायफन फलयालमीन सदकू वलयाल मंदअल का ये लोग क्या समते हैं कि ये ईमान लाने का दावा करेंगे और इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इनके इम्तिहान नहीं लिया जाएगा इनकी अजमायशें इनकी आजमाइश नहीं ली जाएगी और इन्हें फितनों में मुसीबतों में मुब्तला नहीं किया जाएगा नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान लेते हैं तो इसलिए यहाँ पर देखिए भूख लगी है लड़ाई में थक थके हुए हैं और गोश्त मिला है बड़ी मेहनत से बनाया है आग जलाई है और जब खाने का वक़्त करीब है तो क्या आर्डर मिला है कि ये गोश्त फेंक दिया जाए उसे उंडेल दिया जाए और घरेलू गदे जो हैं वो हराम हैं। अन सबन माल कहते हैं सहाब के नाम रिदवान अजमाइन ने क्या किया वो गोश फेंक दिया अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताद का कदा कर दिया सल्ह वसलम उन्होंने आगे से कोई बहाना नहीं, नहीं किया आज हमारे बाने नहीं ख़त्म होते ना हमारी औरतों के ना हमारे मर्दों के मर्द नमाज कब शुरू करेंगे जी जब हज कर लेंगे जी कब नमाज शुरू करेंगे जी आइंदा रमजान के बाद जी कब शुरू कब दाढ़ी रखेंगे जी हज के बाद जी कब रखेंगे जब बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन वो इस पर अमल करने का वक्त नहीं आता इतात क्या है कि इधर हुक्म मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो और यही हाल सूर्त हाल हमारी बच्चियों की है हमारी बहनों की है पर्दे के लिहाज से और दीगर उमूर के लिहाज से तो यहाँ पर सहाबे के हमने बड़ी शानदार मिसाल पेश की है आपकी इताद की और इस अदीस को आप तफसील से देखना चाहें तो बुखारी बुखारिश में देख सकते हैं बहरहल घरेलू गदे जो है वो क्या है हराम है उनका गोश्तलाल नहीं है उसके बाद बाब नंबर सात बाप इबाहब का क्या होना जायज होना हदीस नंबर ग्यारह सो छस वन वन थ्री सिक्स काफ इस हदीस को अपनी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है इमाम बुखारी आने अपनी अब्बास रवायत है किससे अब्दुल्ला इब ने अब्बास काफ जी हाँ काफ से मुराद यह है कि सदीस को बयान करने वाले इमाम बुखारी और इमाम उम्मीम है तो रावी कौन है अब अब्बास नबी अलीसम के चचा के बेटे आपके कज़न हाशमी आले बैत में से वो क्या कहते हैं कि बेशक ख़ालद बिन वलीद बिन मुगीरा मखजूमी ने अल्हू सैफुल्ला जिन्हें क्या कहा जाता है अल्लाह की तलवार वह खाल बिन वली अल्लाह की तलवार कहा जाता है अखबरू उन्होंने इन्हें खबर दी खालिद ने ख़बर दी किस को अब्दुलबिन अब्बास को अब्दुल अब्बास बता रहे हैं कि ये खालदिन वलीद जिनका ये तारफ़ है इन्होंने मुझे बताया अच्छा अब्दुल और बबिन खालदिन वलीद की भी आपस में रिश्तेदारी है क्या रिश्तेदारी हो सकती है ये आपस में खालाजाद हैं आपस में क्या है खाला हैं तो खाल बन वलीद ने अखबर उन्हें बताया कि इनको अब्दुल्वन अब्बास को क्या बताया कि अल्लाह दाखला कि बेशक वो दाखिल हुए मा रसूल माँ अल्लाह के रसूल अली सलाम के साथ अला ममूना ममोना पे कि अल्लाह के रसूल के साथ ममोना के घर में गए ममूना कौन है नबी अली अलीसम की वाइफ़ खालत की क्या लगती हैं खाला अब्दुल अब्बास की क्या लगती हैं खाल ममूनास जहाँ तक तल्लुक़ आया खालदन वलीद का तो उनकी वालदा के नाम क्या लुबाबा लुबा छोटी लुबाबा और अब्दुल्ह अब्बास की वालदा के नाम भी है लुबाबा लेकिन लुबाबा कु कुबरा तो ये आपस में क्या है ये मैंने फवद महनूदा तो कहते हैं खालद के वह के रसुल के साथ जनाब मामूना के घर में गए वही खालतु और ये उनकी खाला हैं किन की खालत की वह खालत अब्बास और ये अब अब्बास की भी खाला हैं फवाद आंदा गबल महनूदा तो आपने उनके यहां पाई क्या पाई सांडा पाया उनके पास महनूदा बुना हुआ बुना हुआ सांडा आपने उनके पास पाया कादिमत भी उखतूहा बिन तुलहारिस इसे लेकर आई थी उनकी बहन किन की बहन ममूना की बहन वो कौन हुफ़ैदा बिन हारिस कहाँ से लेकर आई थी मिन नज़, नज़ से कहां से लेकर आई थी नज़ से इसका मतलब कि चीज़ मक्का मदीना की नहीं है नज से आई है और नई रियाज और रियाज की जानम के इलाके को नज कहते हैं रियाज से आगे भी ये सारा इलाका क्या है. तो वहां से उफेदा बिन तिहार लेकर आई थी फकदबा ली रसूल अल्लाम तो उन्होंने पेश किया सडा किस के लिए अल्लाह के रसूल के लिए वक़ानमा युद्धन हतुसम लहू और आप कम ही अपना हाथ बढ़ाते थे किसी खाने की जानब यहाँ तक कि आपको उसके बारे में बताया जाता और उसका आपके सामने नाम लिया जाता यानी कि अगर कोई खाना ऐसा होता जिसे आप नहीं पहचानते थे जिसका नाम आपको मालूम नहीं होता था तो उधर उस खाने की तरफ आप कम ही हाथ बढ़ाते थे जो खाना आपके लिहाज से नया होता तो उसके बारे में जब तक तो ख़बर ना दी जाती तारफ ना पेश किया जाता तो आपका हाथ उसकी तरफ बढ़ता नहीं था कहते हैं अब्दुलम अब्बास आ, वकाना बल्कि खादिम वलीद बता रहे अब्दुल् अब्बास को के वकाना और आप कल्लामायूकदहू कम ही अपना हाथ बढ़ाते थे तामिन किसी खाने की जानब हती ही यहाँ तक कि आपको उस खाने के बारे में बताया जाता वहीसमलू और उसका नाम आपके सामने ज़िक्र किया जाता इससे पता चला कि नबी आली सात उसम आलमैब नहीं थे नए खाने के बारे में अगर कोई बता देता तो ठीक है वरना आपको इलम ना हो पाता फाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल वब्ब्ब्बी तो नबी नबीत असल्लाम ने अपना हाथ बढ़ाया किसकी तरफ सांडे की तरफ फ़काल तुम नस्वतुल हजूरी तो घर में मौजूद औरतों में से किसी औरत ने कहा अकबर न रसूल सल्हु वसमकदम तुम मकद्दम तुन्हू अल्लाह के रसूल सलाम को उस चीज़ के बारे में बताओ जो तुमने आपके सामने पेश की है रखी है जो चीज तुम औरतों ने अल्लाह के रसूल के सामने रखी है उसका तारफ तो करवा दो अल्लाह के रसूल को बता तो दो ये क्या चीज है अल्लाह के रसूल ये सांडा है फराफा रसूल यदा हुआ तो आपने अपना हाथ सांडे से उठा लिया एक बजाय आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती उसे मदीर लेते आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अपना हाथ सांडे से उठा लिया फ़काल ख़ाल तुमने वलीद तो खाल तुम वलीद कहने लगे अ हराम उन रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या ये सांडा हराम है आपने अपना हाथ उठा लिया है दिलचस्पी नहीं ली ये मालूम हो जाने के बाद ये सांडा है तो क्या यह हराम है क़ाला तो आप अली इस्लाम ने कहा नहीं नहीं है वला वला यकुन भी अर्द कहूमी लेकिन ये चीज़ मेरी कौम के इलाके में मौजूद नहीं थी ये चीज़ मेरी कौम की जमीन पर मौजूद नहीं थी फ अजीदूनी आफ हू इसलिए मैं अपने आप को पाता हूँ क्या कि मैं इससे घिन महसूस करता हूँ मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं ये चीज लूं और मैं खाऊं और अपने पेट में डालूं। कहते हैं कि यह चीज मेरी कौम के इलाके में नहीं है तो मैं अपने आप को इस हाल में पा रहा हूं कि मैं इससे क्या करता हूं गिन महसूस करता हूं खालिद कहते हैं खाल कौन से खाल बिन वलीद फर तो मैंने उसको खेचा किसको

और अब्दुल्ल्या अबी अल्लाह के रसूल के आपस में वो है चचा चले चलेंगे और ये पता चला कि ये ममूना रज़ी अल्लाह तहा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की वालदा वो कौन सी हैं कुबरा और बिन वलीद की वालदा लुबाबा अ और हुफैदा ये सब क्या है मैंने हैं और ये पता चला कि साना कहाँ से आया था नज से आया था पता चला कि अल्लाह के रसूल इस्लाम नए खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाते थे जब तक कि उसका तारफ पेश ना किया जाता उसके बारे में बताया ना जाता और यहाँ ये पता चला कि अल्लाह के, के रसूल ने साने से हाथ खींच लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हराम है और ये पता चला कि शरीयत किसी को हलाल चीज खाने पे मजबूर नहीं करती मजबूर मिसाल के तौर पे हमारे पास हदीस है कि अगर किसी पीने वाली चीज में क्या गिर जाए मक्खी मक्खी तो आपने फरमाया चूंकि मक्खी के एक पार में क्या है शिफा और दूसरे में क्या है जहर बीमारी तो वो क्या करती है मक्खी जब किसी चीज में गिरती है तो अपना उस वो पार डबोती है जिसमें क्या बीमारी है तो फरमाया तुम उसका दूसरा पार भी डबो दो और उसको पी लो तो इसका मतलब ये नहीं कि पीना वाजब है जरूरी है लाजमी है, ऐसी बात खतन नहीं है आपका दिल नहीं मानता कोई मसला नहीं है लेकिन शरीयत ने यह बता दिया कि वो हलाल है उसे पीना जैद है दुरुस्त है उसमें कोई बात को नहीं।, नहीं।, नहीं है तो यहां पर अल्लाह के रसूल रसलम ने साडा नहीं खाया तो इसमें कोई मसला नहीं है ए, उसके बाद क्या कि अब्दुल्ला खादम वलीद ने क्या किया उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ और क्या किया उसे खा लिया और अल्लाह के रसूल देख रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या पता चला कि सांडा हलाल है कि हराम है हलाल है अगर हराम होता तो आप ना खुद खाते खादिन वलीद को खाने देते बल्कि आप नाराज होते कि तुम लोगों ने इसे मेरे दस्तरखान पर क्यों रखा है उसके बाद बाब नंबर आठ बाब इबाह अकली टिड़ियों के खाने की हिल्ल ये टिडियां खानी क्या है जायज़ हैं दुरुस्त हैं टिड़िया आप खा सकती हैं ये टिडियां कौन सी मुराद है टिडियां ये वही टिडियां हैं जो फसल की फसलें खा जाती हैं जो फसलें तबाह बर्बाद कर देती हैं जिधर उनका हमला हो जाए कुछ बचेगा नहीं और ये वो जो उड़ती हैं जिनके पार होती हैं जी हाँ तो इन इनके, इनके बारे में बाब है कि ये मुबा हैं ये हलाल हैं आप खा सकते हैं हदीस नंबर ग्यारह सौ सैंतीस वन वन थ्री सेवन काफ। इस हदीस को भी किताब में जगह देने वाले इमाम कौन है बुखारी, बुखारी। इमाम बुखारी अन अब्दुल्लाह इब्न अबी अन्हु मा क़ाल रवैत है जिनाब अब्दुल्ल बिन अबू औफ़ा रदील्हनुमा से वह कहते हैं गज़ुना हमने गजवा लड़ा हमने जंग लड़ी मान नबी यवासन कहते हैं कि हमने नबीम के साथ सात जंगे लड़ी अच्छे कुल ना नकुल माह जरादा और हम आपके साथ चिड़ियाँ खाया करते थे तो क्या पता चला चिड़ियाँ पर क्या हैं हलाल हैं और नबीसत उस की हदीस है जिसे इमाम अहमद अपनी मुसन में लेकर आए हैं फरमाया कि अगरचे अल्लाह ताली ने कुर हकीम में मुर्दार को क्या किया है हराम लेकिन दो तरह के मुर्दार हलाल हैं कौन कौन से फरमाया एक मछली और एक टिड्डी उसके बाद बाप नंबर नौ बाप इबाह मिलखेली घोड़ों के गोश्त का क्या होना हलाल होना मुबाह होना जायज होना यानी कि घोड़ों का गोश्त खाना

क़ाल तो वो कहती हैं नहरना अलादिन नबी ये सल्ह फ़रसा हमने िबा किया नबीम के ज़माने में क्या फ़रसन एक घोड़ा फकल ना हो तो हमने उसे खाया और बुखारी की एक और रवैत में है कि जब तब हम मदीना में थे कुछ सफ़र नहीं था इनके कोई ऐसा मसला नहीं था बल्कि कहाँ थे मदीना में रह रहे थे मदीना में हम लोगों ने क्या किया एक ऊँट लफ्त क्या बोला नहरना हमने उसको नहर किया इनके खड़ा करके ज़िबा किया जैसे ऊन को करते हैं तो गाय यानी कि जो ये घोड़ा है ये गाय की तरह हो गया कि आप जीबा भी कर सकते हैं नहर भी कर सकते हैं दोनों तरह कर सकते हैं इसमें कोई शिकाल नहीं।, नहीं है तो अस्मा बिंदी बकर कहती हैं कि हमने ऐसा मदीना में किया और अल्लाह के रसूल इस्लाम के जमाने में किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे क्या पता चला घोड़ा हलाल है आप इसका गोश्त खा सकते हैं अगर अगरचे पाको हिंद में ऐसा नहीं होता तो लोग समझते हैं कि शायद ये हलाल ही नहीं है और अफसोस से कहना पड़ता है कुछ लोमाइक्राम ने फतवा दे रखा कि है कि मकरू है जबकि रूसी रियासतों में घोड़े का गोश्त बड़े शौक़ से खाया जाता है तो आप नहीं खाना चाहते आपका मिजाज नहीं मानता कोई मसला नहीं लेकिन किसी ए, को गलत फतवा ना दें तो यहीं पर आज के दरस का अख्ताम करते हैं और ये पता चला आखिरी हदी से कि घोड़ा जो है वो भी हलाल है उसे ज़िबा किया जा सकता है उसमें कोई हरज नहीं।, नहीं है अल्लाह रबुल्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें ये अहदीस और ये मसाइल समझने की तोफ़ी नायत फरमाए अल्लाह तमाम मुसलमान मरीजों को शफ़ा दे जो फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में अला मकाम नायत फरमाए हमारे दर सुनने वाले बाइयों में से ताउन करने वाले बाइयों में से जो भी अहबाब परेशान हैं अल्ला परेशानियाँ दूर फ़रमाए जिनकी मुश्किल हैं अल्लाह उनकी मुश्किल दूर फरमाए जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफा दे तंदुरुस्ती देफीत दे तमाम साथियों को अल्लाह ताला नेक औलाद दे और जिनके पास औलाद है उनकी औलाद को अल्लाह ताला नेक बनाए और अल्लाह ज़ाये खैर दे हमारे दावा सेंटर को खुबर का अलहदया दावा सेंटर जिनकी निगरानी में ये दौरा हो रहा है शेख शमसुजमान आफिदा को जो इस दौरे के निगरानी करते हैं और जो उनके ऊपर मसूरीन जिम्मेदारान हैं उन सब अल्लाह जज़ाय खैर दे वाल नबीना महमद وعلى اله وصحبه اجمعين